हाँ स्पेसिफिक रेशियो प्योर एंड श्योर, डी या एल कोई भी हो सकता है, डी या एल कोई भी हो सकता है। फॉर्मूला तो तुम याद कर ही लेना, मैं एक बार फिर भी तुम्हें कंसेप्ट सिखा देता हूँ, एक बार कंसेप्ट सीखेंगे क्यों। कोई भी एक मैं प्योर एंड श्योर ले रहा हूँ, से प्लस टू ब्यूटेनॉल, प्लस टू ब्यूटेनॉल, और एक ले लिया मैंने माइनस टू ब्यूटेनॉल। कंसेप्ट समझ लिया ढंग से यहाँ पे, एक ले लिया माइनस टू ब्यूटेनॉल और ये लिया मैंने स्पेसिफिक रोटेशन मिक्सचर का, स्पेसिफिक रोटेशन ले लिया मिक्सचर का, क्लियर। स्पेसिफिक रोटेशन किसका ले लिया, मिक्सचर का। देखो अब यहां पे लिया मैंने प्लस टू ब्यूटेनॉल, मान लिया मैंने 100% प्लस टू ब्यूटेनॉल, ये 100% है, तो ये माइनस टू ब्यूटेनॉल कितना हुआ, 0%, और स्पेसिफिक रोटेशन आया से 13.60 का प्लस में, 13.60 आया प्लस में, स्पेसिफिक रोटेशन आया 13.60 प्लस में। अब दूसरा केस लिया मैंने, इसे समझने की कोशिश करना, मैं क्लियर हो जाएगा सारा जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना ऊपर, ये क्लियर रहेगा हमेशा के। ये 0% है तो दूसरा क्या होगा, 100%। अब बताओ स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा मिक्सचर का, माइनस माइनस थर्टीन थर्टीन पॉइंट थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस 13.6। यहां तो डाउट तो नहीं किसी को, नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। देखो अब ये आने के बाद अब तीसरा केस लिया मैंने, थर्ड केस से लिया 50% ये और 50% ये, तो अब स्पेसिफिक रोटेशन जानते हो कितना आएगा, जीरो जीरो जीरो। ये सब कुछ समझ आ गया ना, एक प्लस में रोटेट कर रहा है तो एक माइनस में रोटेट कर रहा है। अब अगला केस ले रहा हूं मैं, यहां से क्लियर होगा तुम्हें सब कुछ। 75% ये है प्लस वाला और 25% होगा ये माइनस वाला, अब कितना रोटेशन आएगा, अब कितना रोटेशन आएगा। अच्छा कौन सा एक्सेस में बच जाएगा ये बताओ, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस में आएगी तो प्लस, प्लस में आएगा रोटेशन, प्लस वाला कितना परसेंट बच जाएगा, 50%। 50% प्लस वाला बचा, प्लस वाला बचा 50%, यानी 50% क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन जो मिक्सचर का अब होगा, ध्यान देना, स्पेसिफिक रोटेशन जो मिक्सचर का होगा वो क्या होगा, 50% ऑफ 13.6, 50% ऑफ 13.6 यानी प्योर एनिशियोमर। नहीं समझ आई बात, सर एक बार दोबारा बता दो, हुआ क्लियर कि फिर नहीं। ये दोबारा बता दो। 75% ये है, 25% ये है। अब जो नई यहां पे रोटेशन आनी है वो कितनी होगी, क्या बचेगा, 50% ये बचेगा प्लस ब्यूटेनॉल की, नहीं ओके यस सर। 50% ये बचा और 50% बचा तो रोटेशन प्लस वाले की ही होगी, कितनी होगी, 50% ऑफ 13.6 की, नहीं यस सर, यस सर, यस सर, 50% ऑफ, इसलिए प्लस टोटल रोटेशन जो प्लस वाले की 13.6 थी, ये किसकी थी, प्योर की थी ना, ये प्लस टू ब्यूटेनॉल प्योर था कि नहीं, यस सर, इसलिए मैंने यहां लिख दिया 50% ऑफ प्योर एनेंशियोमर, प्योर एनेंशियोमर टू ब्यूटेनॉल। तो अब फॉर्मूला बन गया कि नहीं, चेक करो इधर, इसको हटाया मैंने यहां से प्योर एनेंशियोमर को, ये हटाया यहां से और इसको लगा दिया इसके नीचे, सेम चीज आ गई कि नहीं, देखो ऊपर फॉर्मूला जो है, नहीं आया सेम। वो 50% यानी 50/100, 50/100 उधर जाके 100 हो जाएगा इन टू में, आगे समझ के नहीं, फॉर्मूला वाला समझ आया कि नहीं, ये सर आ गया। वो आपने ऊपर डी माइनस एल लिखा हुआ है, हाँ डी माइनस एल एनेंशियोमेरिक एक्सेस, यही तो होगा, 75% माइनस 25%, इसी को बोलेंगे ना ऑप्टिकल प्योरिटी। तो नहीं क्लियर हुआ, मैं हो गया सर, क्लियर हो गया। चलो अब एक दो क्वेश्चन कर लो इसके, ये देखो ये टॉपिक ऐसे है ना, ये मतलब रेयर केसेस में कोई पढ़ाएगा तुम्हें ये वाले टॉपिक, और इसके क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी के अंदर भी, नीट में भी क्वेश्चन नोट करेंगे उसके, बुक्स में भी ना बहुत कम जगह दिया हुआ है, तो एक बार क्वेश्चन नोट करना है इसका, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने तुम्हें दिया, अगर से तुम्हें निकालना है ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना है, नोट कर लेंगे एक बार, कैलकुलेट ऑप्टिकल प्योरिटी
यानी डी माइनस एल हो गया एक तरह से, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर निकालना है एंड परसेंटेज ऑफ रेसीमेट, परसेंटेज ऑफ रेसीमेट। इफ इफ 6 ग्राम ऑफ प्लस टू बिटेनॉल एंड 4 ग्राम ऑफ, ये सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर भी दिया था सेम क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ माइनस टू बिटेनॉल आर मिक्स्ड, और स्पेसिफिक रोटेशन प्योर टू बिटेनॉल की वही ले लिया 13.6 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर प्लस टू बिटेनॉल, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर प्लस टू बिटेनॉल इज 13.6। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो कर गर्व ने आंसर निकाल लिया है। यस सर। और कोई बच्चा? तुम लोग आंसर निकाल नहीं रहे, और कौन है इसमें? मयंक ने भी निकाल लिया, गर्व सिंगल 11 से और 12 से, मयंक चौहान, ये दो बच्चे आंसर बोल रहे हैं सर। नित्या नहीं है क्लास में क्या? नित्या नहीं है। और इधर नव्या, मानव, ये सब चुप बैठे, उनको हिमांग सिद्धि, जरा नेट थोड़ा खराब चला, एक बार मैं रिकॉर्डिंग देता हूं इसके बाद। अच्छा सही। और बच्चे भी यहाँ पे आंसर, छवि आंसर नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, क्रेश आंसर नहीं बोलोगे, सीख नहीं पाओगे बिल्कुल भी, दो बच्चे आंसर बोल रहे हैं, मयंक चौधरी में निकाल लिया आंसर, अन्या, अभिषेक, अनुराग ने निकाल लिया आंसर, नित्या, हाँ सर थोड़ा ट्राई कराया, चलो ट्राई किया, सही है। देखो इधर एक बार मैं कंसेप्ट से सिखाऊंगा और एक बार फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से। हाँ बोलो एक बार गर्व, क्या आंसर है सर? ऑप्टिकल प्योरिटी तो 20%, स्पेसिफिक रोटेशन 2.72 डिग्री और परसेंटेज ऑफ रेसीमेट 50%। चलो ये आंसर, मैं तेरे सेम आंसर है, लग है सर, रेसीमेट परसेंटेज में 60% जो है प्लस टू है, 40% माइनस टू है। नहीं तेरे आंसर्स के सेम है गर्व की तरह कि डिफरेंट है? सर बाकी दोनों सेम है लेकिन रेसीमेट मिक्सचर में अलग है आंसर। पर मेरा भी रेसीमेट मिक्सचर निकाला नहीं है मैंने, वो दोनों सेम है। चलो देखते हैं फिर कितना महंगा रेसीमेट। सर रेसीमेट मिक्सचर में 60% प्लस टू है, 40% माइनस टू। रेसीमेट में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता,
रेसिमेट तो इक्वल होता ना, इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स इज टेकन। रेसिमेट तो मैंने ऐसे ही दे दिया उल्टा, रेसिमेट ऐसे ही दे दिया मैंने 40%। नहीं गलत है, तुम लोग रेसिमेट 80% नहीं होगा, मैं जब हाँ छवि का सही है। देखो सर ये तो तुमने निकाल लिया 6 ग्राम ये है, 4 ग्राम ये है, टोटल 10 ग्राम हो गया, यानी 60% है प्लस टू ब्यूटेनॉल, 60% है प्लस टू ब्यूटेनॉल, प्लस टू ब्यूटेनॉल, और 40% है माइनस टू ब्यूटेनॉल। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आ गई, 60 माइनस 40, 20%। ये ऑप्टिकल प्योरिटी है कि नहीं? एनेंशियोमेरिक एक्सेस यही है ना, ये एनेंशियोमेरिक एक्सेस है कि नहीं? यस सर। और कम वाले का हमेशा डबल कर दिया करो, कम वाले का 40% का हमेशा डबल कर दो, उसी तो रेसिमेट आएगा। 40% अगर माइनस है तो 40% प्लस मिलकर रेसिमेट बनाएगा, 40 40 80 हुआ, बचा कितना 20, तो 20 20 ही प्योर होगा। नहीं समझ आई बात? ऑप्टिकल प्योरिटी 20 है ना, तो बाकी 80% क्या होगा, जो मिक्सचर होगा रेसिमेट बनाएगा, जो रेसिमाइजेशन रेसिमाइज करेगा। नहीं क्लियर हो रहा है? अच्छा सर, मैंने वो रेसिमी मिक्सचर के कंपोनेंट्स बता दिए थे, अब समझ आ गया कि नहीं? जो कम वाला है ना उसको डबल कर दिया सीधा, हाँ, या फिर जो तुमने ऑप्टिकल प्योरिटी निकाला ना, जो परसेंटेज बची हुई है वो रेसिमेट, जो परसेंटेज बची हुई है वो रेसिमेट। अब 20% ऑप्टिकल प्योरिटी है, तो 20% ऑफ 13.6 ये क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर होगा कि नहीं? 20/100 ऑफ 13.6 ये होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। और कंसेप्ट से भी हो जाएगा कि नहीं, और फॉर्मूले से 20% ऑप्टिकल प्योरिटी है, 20% ऑप्टिकल प्योरिटी है, तो 20/100 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर तुम्हें निकालना है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर तुम्हें निकालना है अपॉन में स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर, प्योर कितना है 13.6। सेम आंसर आ रहा है ना इससे भी, फॉर्मूले से भी? यस सर। कंसेप्ट कंसेप्ट से भी समझ आ जाना चाहिए और फॉर्मूले से भी, दोनों से समझ आ गया कि नहीं? यस सर। दोनों से क्लियर हो गए? लास्ट चलो एक क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का हो, ताकि एक ऑप्टिकल प्योरिटी टॉपिक जो है खत्म हो जाए। कंसेप्ट क्लियर कर लेना, दो तीन बार मन में बोल लेना इसको। जो मैंने एग्जांपल ली ना, प्लस टू ब्यूटेनॉल है, माइनस टू ब्यूटेनॉल है, प्लस टू ब्यूटेनॉल 100%, टोटल रोटेशन जो आई 13.6 डिग्री, या तुम 20 डिग्री मान लो, कुछ मान लो अपनी तरफ से, फिर माइनस को ले लिया 100%, तो रोटेशन आई माइनस 13.6 डिग्री, फिर 50-50 ले लिया नेट रोटेशन आई जीरो, फिर लिया 75-25, तो 75-25 लिया, तब रोटेशन कितनी आएगी, 75% प्योर वाला प्लस वाला है, तो यानी प्लस वाला ही बचेगा, कितना बचेगा 25-25 तो कैंसिल हो जाएंगे, 50% तो रेसिमेट बन जाएगा, तो जो 50% बच गया वो क्या होगा, प्लस वाला 50% ऑफ प्योर, वही तो नेट रोटेशन होगा मिक्सचर का, तो 50% ऑफ 13.6 विल बी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। इस तरह से करोगे आराम से निकल जाएगा आंसर, तो ये तुम्हें इसके अंदर आना चाहिए। और अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से और आंसर निकालने की कोशिश करना है। क्वेश्चन है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ वही प्लस टू ऑल दिया है, कोई प्लस टू ऑल दिया है और माइनस टू ऑल दिया है, समझ गए ना? मतलब कोई भी एल्कोहल है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, दोनों दे रखे हैं ये, और दोनों की परसेंटेज दे रखी है, से इसकी दे रखी है 25% प्लस वाले की, माइनस वाले की दे रखी है 75%, माइनस वाले की दे रखी है 75% और स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है -30 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू -30 डिग्री, सही ना? स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है -30 डिग्री की, तो तुम्हें निकालना है कैलकुलेट, ए एनेंशियोमेरिक एक्सेस, बी ऑप्टिकल प्योरिटी, सी रेसिमेट परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ऑप्टिकल प्योरिटी, परसेंटेज ऑफ रेसिमेट और ऑब्जर्व्ड रोटेशन। निकालो सर, ये -30 डिग्री किसकी दे रखी है, एक बार सोचो इसको किसकी हो सकती है, माइनस वाले की,
एक बार अनुराग थोड़ा सा सोच के बताता हूँ। ये स्पेशल रोटेशन किसकी होगी? सर प्योर माइनस टू ऑल की होगी। हाँ प्योर माइनस टू ऑल की। कैसे? हाँ कैसे पता लगा तेरे को ये? मैं सर क्वेश्चन में ऑब्जर्व रोटेशन पूछ गया है। हाँ बिल्कुल सही है। ये वाली चीज देख के देख हमने किसने निकाला ना कि ऑब्जर्व रोटेशन निकालनी है, मतलब ये प्योर वाले की दे रखी होगी। समझ गए कि नहीं अनुराग? यस सर। चलो चार बच्चों ने आंसर निकाल दिया। देखो आंसर मैंने भी कर लिया घर घर में भी कर लिया। ऋषि का तुम बोलो आंसर। सर रेसिमेट 50%, ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी भी 50%, और सर 50%। यस सर, और सर इन इन वो सर, और 15 15 15 माइनस प्लस सर प्लस गलत है सर। ऑब्जर्व रोटेशन माइनस 15 डिग्री माइनस। हां माइनस। ऋषि का दिख नहीं रहा कि माइनस ज्यादा है कि प्लस ज्यादा है। माइनस वाला 75%। यस सर माइनस वाला ज्यादा है। फिर तो ये डायरेक्ट कर लेंगे कैसे किया आगे परसेंट माइनस 15 कैसे निकाला? सर 75% हमें माइनस टू दे रखा था और प्लस टू 25%, तो जो हमारा ज्यादा था वो 50% था, तो 50% ऑफ जो 30 स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी उसे मल्टीप्लाई करके 50% ऑफ माइनस 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25% है प्लस वाले की, जो माइनस वाले की रोटेशन, अगर माइनस वाले की रोटेशन माइनस 30 डिग्री है, माइनस वाले की रोटेशन माइनस 30 डिग्री है, तो प्लस वाले की रोटेशन कितनी होगी? प्लस 30 डिग्री होगी कि नहीं? प्योर की है ना ये, तो ऐसे yes, प्योर sir. वाले प्लस की भी कितनी होगी? 30 डिग्री। 25 इंटू 30 डिग्री प्लस 75 इंटू माइनस 30 डिग्री। नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर। और अपॉन में 100, अपॉन में 100 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। समझ आया कि नहीं? ये इससे भी सेम आएगा ना आंसर, चेक कर लो एक बार। यस सर। तो 15 डिग्री आ जाएगा आंसर माइनस में। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। चलो एक टॉपिक हमने अभी यहाँ पे कवर कर लिया। इन क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस करें ना, कल टफ होगा और सेशन। कल इसे टफ हो जाएगा। क्या पता इसका एक क्वेश्चन मैं और दे दूं ऑप्टिकल प्योरिटी का, इससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा सेशन। सही है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? अनुराग? नो सर। सर सॉरी, वो हैंड वर्क करना भूल गया था। कुछ नहीं। तो हिमांग सर ये दोनों वीडियोस आप आज थोड़ी जल्दी अपलोड कर देना। एक मिनट। ये ध्रुव है क्लास में क्या? यस सर। ध्रुव मेरे को भेज दियो बाद में। हां जी, हां जी सर। चलो ये प्रैक्टिस कर लेना और ध्यान रखना, जो बच्चे वेडनेसडे को आएंगे दोनों पेपर सॉल्व करके लाने मेरे पास, 12th वाले बच्चों को होमवर्क सारा करके आना है, साथ में दोनों पेपर जो हो चुके हैं तुम्हारे वो सॉल्व करके लाने हैं, उनको इंपॉर्टेंस देनी है। जहाँ पे 15-20 पेपर हो गए ना तो तुम एक भी सॉल्व नहीं करोगे, वो दो पेपर सॉल्व करके लाने हैं सबको।